So hello friends, this is Technical Study Buddy and we are going to study today is Basics of Engineering Mathematics. So aaj ke aapke topics hain basic formulas of differentiation because differentiation ek aisa topic hai jo aapki engineering mein bahut zyada kaam aayega kyunki 60 to 70% yahi syllabus ko compile karta hai. To bacche jo bhul gaye hain differentiation ke bare mein jo jo cheeze main sab cover karunga ekdam basic se uthayenge aur ekdam matlab badhiya tarike se aage badhenge. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसमें आपको ये कंटेंट्स मिलते रहेंगे शुरू से लेके लास्ट तक सारे इम्पोर्टेंट जो भी आपके सिलेबस में और स्किल्स वाइज. तो आज के टॉपिक है हमारे बेसिक फॉर्मूलाज. जितने भी डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज है मैं आपको वो सारे समझाऊंगा और साथ में ही बेसिक डिफरेंशिएशन मेथड्स की जो भी मेथड होंगे आप जो भूल गए हो 12th 11th में आपने जो पढ़े थे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं आईलेट रूल वगैरह वगैरह जो अभी इंजीनियरिंग में रूल्स आएंगे वो थोड़े बहुत आज मैं आपको वो समझाऊंगा. और प्लीज आप ये वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आई शेयर करें और अगर डिफरेंशिएशन में थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो यूट्यूब का एक फीचर है उसे जरूर एक्सेस करें. यूट्यूब का एक फीचर है कि आप वीडियो को जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो एक रेड कलर का बॉक्स दिखेगा उसे आप हिट कर दें सब्सक्राइब कर दें आपकी डिफरेंशिएशन सुधर जाएगी. और कमेंट जरूर. डिफरेंशिएशन हमेशा आपके लिए जरूरी है तो एक एक करके मैं समझाऊंगा और इसे जल्दी से समअप करते हैं. ओके सो हियर इज द फर्स्ट वन. ये बेसिक प्रिंसिपल फॉर्मूला है एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एच लिमिट टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच जहां पे एच की जो वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होती है. दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट हमेशा जीरो होता है. तीसरा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एम होता है एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन. फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ई अपॉन एक्स का होता है वन अपॉन एक्स. फिफ्थ है आपका डेरिवेटिव ऑफ ए टू द रेज टू द पावर एक्स का होता है ए रेज टू द पावर लॉग बेस ई इंटू लॉग ए बेस ई सॉरी. सिक्स्थ है आपका ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका ई टू द पावर एक्स. और अब हम आ जाते हैं अपने सेवन्थ पे. ये है साइन. ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं डिफरेंशिएशन. साइन का होता है कॉस एक्स. कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स. टेन एक्स का होता है सेकंड स्क्वायर एक्स. कॉट एक्स का होता है कोसेक्स स्क्वायर एक्स माइनस में होता है ये. सेक एक्स का होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स और कोसेक्स एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक्स एक्स. आप ये सारे बस नोट कर लीजिए ठीक है. कॉट इनवर्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस इनवर्स कोसेक्स स्क्वायर एक्स. सेक एक्स का होता है टेन एक्स सेक एक्स. कोसेक एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स. ये है आपका क्या कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स का होता है एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स. इसकी वैल्यू या तो वन हो सकती है माइनस वन क्योंकि डिपेंड होता है यहाँ पे क्या वैल्यू है की. ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका होता है जीरो जब एक्स इंटीजर ना हो. और ये है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका वन ही होता है हमेशा. अब आ जाते हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. कोसेक्स इनवर्स एक्स का होता है उसमें बस माइनस एड कर दीजिए माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. सेकेंड इनवर्स एक्स का होता है आपका वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. कोसेक इनवर्स एक्स का बस जस्ट उसका अपोजिट है माइनस लग जाएगा आपका माइनस वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. कॉट इनवर्स एक्स का आपको हो जाएगा उसके टेन इनवर्स एक्स के उल्टा वो माइनस लग जाएगा बस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. So if now we are going to learn some basic formulas of differentiation. So if fx is a function containing x functions px, qx and rx, अगर इसके तीन मतलब parts है मान लीजिए आप तो मतलब बस मैं ये दिखाने की show कर रहा हूँ addition subtraction same रहेगा बाकी इनका normal differentiation हम करते जाएंगे. ये normal differentiation है. इसके बाद if y is equal to uv मतलब y uv का फंक्शन है मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन और uv डिपेंडेंट है x पे यानी u और v दोनों x के फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होगा dv अपॉन dx इंटू यू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी. ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन. अगर y u और v का क्या कहते हैं डिवाइडेड फंक्शन है और u और v फिर से फंक्शंस ऑफ x है या फिर डिपेंडेंट ऑफ x है तो इसका फॉर्मूला होगा ये dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx इंटू वी माइनस dv अपॉन dx. अगर आपका सिर्फ u एक फंक्शन है x और y का सिर्फ u का निकालना है आपको डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx निकालना है. अगर आपको इसमें कि u अगर फंक्शन x आएगा तो इसका आपका du अपॉन dx इंटू dy अपॉन du जो कि आपको गिवन होगा.
and you have to just practice some of nearly 4 to 5 questions on every topic, and you will be perfect in these type of questions. And do check out our other videos on other engineering topics. We have a wide list of subjects and skill development videos. So guys, please do subscribe, do comment and do like. Whatever you want to ask, you can ask in the comment section. We will definitely reply.